अगर आप भी डिजिटल सेवा पोर्टल में अपना ई केवाईसी करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप डिजिटल सेवा पोर्टल यानी कि सीएससी की ई केवाईसी कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करते हैं तब यहां पे आपको एक नोटिफिकेशन शो होता है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, यूअर ईयरली ई केवाईसी इज़ ड्यू, प्लीज़ कंप्लीट यूअर ई केवाईसी, प्रोवाइड रेसिडेंटल क्योस्क एड्रेस, प्लीज़ कंप्लीट यूअर ई केवाईसी। ये सभी वीली को शो हो रहा है और सभी को ईयरली अब ई केवाईसी करना होगा। अगर आप अपना ई केवाईसी नहीं करते हैं तब आप सीएससी के सेवाओं में काम नहीं कर पाएंगे, सीएससी के सर्विसेज को सही तरीके से आप चला नहीं पाएंगे। तो किस तरीके से आप अपना ई केवाईसी कंप्लीट करेंगे, जीएसटी नंबर आपको कहां से मिलेगा, क्या क्या जानकारी आपको भरनी है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पे बने रहें। जैसे आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करते हैं तब आपको यहाँ पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है ईयरली ई केवाईसी की। तो सिंपली यहाँ पे ई केवाईसी करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, अपडेट नाउ का और आपको अपडेट लेटर का, यानी कि आप बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप अपना ई केवाईसी करना चाहते हैं तो अपडेट नाउ का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे हम आपको ई केवाईसी करके बताने वाले हैं, तो यहाँ पे अपडेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके सामने पेज खुल जाएगा जिसमें देखेंगे वीली प्रोफाइल एंड क्योस्क अपडेट मैंडेटरी फॉर ऑल वीली, यानी कि आप सभी के लिए अनिवार्य है, आप सभी को ई केवाईसी करना ज़रूरी है। आपका यहाँ पे देखेंगे पर्सनल डिटेल में आपका नाम दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर यानी कि आधार नंबर वीआईडी नंबर यहाँ पे आप फिल करेंगे, यानी कि आप आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का फिल करेंगे और वैलिड बटन पर क्लिक करेंगे। आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, आप देख सकते हैं आधार वेरीफाई। अब नीचे आपका स्टेट सिलेक्ट रहेगा, नीचे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, आपका जो जिला है वो जिला यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे हम जिला सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको स्टेट असेंबली यानी कि आपका विधानसभा चूज करना है। उसके बाद आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे आपको फिल करना है। चलिए एरिया का पिन कोड फिल कर लेते हैं। उसके बाद रेसिडेंट एड्रेस यानी कि आपको जहाँ पे निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद नीचे पेज को स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कियोस्क एड्रेस, तो आपका कियोस्क सेंटर का नाम लिखा रहेगा। आपको यहाँ पे कियोस्क ओनरशिप यानी कि आपका रेंट पे है, ऑन पे है, गवर्नमेंट में है, आपका यहाँ पे किराए से है या आपका खुद का है या गवर्नमेंट में आप लगा रखा है वो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। हमारा ऑन पे है, खुद से ही है, घर पे ही है, तो ऑन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लोकेशन आपका सेंटर गांव में है या शहर में है वो सिलेक्ट करेंगे। हमारा गांव में है तो हम गांव रूरल सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका शहर में है तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे। हम गांव में है तो रूरल सिलेक्ट करेंगे, स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा सिलेक्ट रहेगा। यानी कि हम गांव से हैं तो हम यहाँ पे गांव की डिटेल फिल करेंगे, तो रूरल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपका ज़िला, उसके बाद फिर से आपकी असेंबली विधानसभा, फिर से आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, आपका ब्लॉक, फिर आपको अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट करनी है यानी कि आपका गाँव, फिर आपका ग्राम पंचायत, आपका कौन सा ग्राम पंचायत लगता है वो सिलेक्ट करना है, जहाँ से आपने आईडी लिया है पहले वही यहाँ पे आप फिल करें। फिल करने के बाद आपको अपना कियोस्क का एड्रेस, यहाँ पे भी आपका सेंटर वो एड्रेस यहाँ पे रहेगा, पिन कोड आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे करंट पैन नंबर, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर, जो कि आपका पैन कार्ड नंबर जो है जब आपने सीएससी लिया था जो पैन कार्ड नंबर आपने लगाया था आपका खुद का, वही पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना है। अदर आपको डिटेल नहीं फिल करनी है, आपकी खुद की ही डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, वैलिड बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो फिल करें, अन्यथा आपको जीएसटी नंबर फिल करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ये अनिवार्य नहीं है, आप नहीं भी करेंगे तो भी यहाँ पे चलेगा। तो जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको फिल नहीं करना है, आपको अपना पैन कार्ड नंबर ही यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है कैप्चा कोड आप फिल करेंगे। कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करने के बाद नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ओटीपी के माध्यम से यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, अपना केवाईसी करना होगा। जैसे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। दोनों पे आपके मोबाइल ईमेल और मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड हो जाएगा। दोनों में से आप यहाँ पे जो जहाँ पे भी आपका ओटीपी आया है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे ओटीपी देखकर यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद वैलिड ओटीपी का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे।
जैसे वैलिड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो केवाईसी है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं योर ई केवाईसी हैज़ बीन कम्प्लीट सक्सेसफुली, यानी कि आपका केवाईसी सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आप गो टू डिजिटल सेवा पोर्टल का जो ऑप्शन है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और फिर आप वहाँ से अपनी सीएससी की सर्विसेज में काम कर सकते हैं। आप सभी को एक केवाईसी अपडेटेड करना अनिवार्य है, जल्दी से आप अपना ई केवाईसी इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं।